आपने कब जो इंग्लिश बुक दादा नौ ने पोयम पढ़ी थी, ओपन पेज नंबर 6, कल पोयम पढ़ी थी आपने। फिर मैंने आपसे कहा था कि वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है, ठीक। अब हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग ये एक्सरसाइज फिल करेंगे, ठीक है। नॉट एक अप को क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे बी क्वेश्चन करेंगे। बी क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। मतलब आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, इनको आपको फिल करना है किसकी हेल्प से, ये हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक। फर्स्ट है आपका एंड वाई द डैश इज नेवर सीन, जो तो डैश दे रखे हैं वहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे, विंड फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, विंड, हमें विंड दिखाई नहीं देती है ना, ठीक। नेक्स्ट है हु नॉट द वर्ड टू विंड अ डैश, अब वर्ड को किसने कहा था, क्या बनाने के लिए कहा गया था, ठीक। क्या आएगा नेक्स्ट, सर्कल करना है। तो जैसे
टिक द करेक्ट ऑप्शन वर्ड। ठीक, ये क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन, वेरी गुड। इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पिक्चर्स बनी हुई है, सब पिक्चर्स बनी है, इसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद इस पिक्चर की अकॉर्डिंग यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, दिया है, इन दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा उसको क्या करना है, हमें टिक कर देना है। ठीक, तो नंबर ई हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है, देखिए, द डक इज ऑन ऑब्लिक इन द पॉन्ड, डक कहाँ है, पॉन्ड के अंदर है ना, तो क्या फिर करेंगे, इन, इन किस लिए, क्योंकि वो उसके अंदर है, तो इन पे क्या करेंगे हम लोग, इनके ऊपर ये इन लिखा है, इनके ऊपर हमें ऐसे टिक कर देना है। ठीक, इसके बाद सेकंड में पूछा है, द कैट इज अंडर ऑब्लिक बिहाइंड द डोर, अब कैट कहाँ है आपकी, कैट दिख रही है सबको, ये कहाँ पर है, ये डोर के पीछे है, पीछे के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बिहाइंड। तो सेकंड नंबर पे जो बिहाइंड लिखा हुआ है, ठीक, बिहाइंड हम लोग टिक कर देंगे। थर्ड यहाँ पर देखिए, द कार इज इन फ्रंट ऑफ ऑब्लिक ओवर द बस, अब कार कहाँ है, कार दिख रही है सबको, बस के आगे है कि ऊपर है, आगे है ना, तो आगे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम लोग क्या लिख देंगे, इन फ्रंट ऑफ, उसके ऊपर ये टिक कर देंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है, देखिए, द डॉग इज जंपिंग ओवर ऑब्लिक अप द फेंस, अब डॉग दिख रहा है, डॉग फांद है ना, कहाँ से फांद है, उसके ऊपर से, क्या आएगा उसके लिए, ओवर आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखेंगे, ओवर, ओवर के ऊपर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर पे क्या दिया है, द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग अप ऑब्लिक ओवर द ट्री, तो पेड़ के ऊपर चढ़ी है ना, उसके लिए क्या यूज होगा, अप, तो फिफ्थ नंबर में अप लिखा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, टिक करना है। ये सारी एक्सरसाइज हो गई आपकी, इधर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में वर्क होगा। नेक्स्ट, टर्न द पेज, पेज टर्न कर लिया, अब ये पेज ओपन हुआ सबका, वेरी गुड। इसमें पोयम दे रखी है, स्पीक द गिवन लाइन इन क्लास लाउडली, अब इसे हम लोग, इसको आपको पढ़ना है, मैं पर आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक, थैंक यू गॉड फॉर दिस न्यू वर्क डे इन माय स्कूल टू वर्क एंड प्ले, प्लीज बी विद मी ऑल डे लॉन्ग इन एवरी गेम एंड सॉन्ग, ऑल मे ऑल द हैप्पी थिंग्स बी यू, मेक यू अवर फादर हैप्पी टू। इस पोयम को आपको घर में पढ़नी है, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है ना, एच नंबर पे क्या लिखा है इसमें, राइट डाउन द प्रेयर दैट यू स्पीक डेली इन द स्कूल अबाउट गॉड। ठीक, तो हम लोग रोज प्रेयर करते हैं स्कूल में मॉर्निंग टाइम में, तो वो प्रेयर आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद क्या करेंगे, आपने कल पोयम पढ़ी थी ना, उस पोयम को फिर से रिवाइज करेंगे, और जितना वर्क आज हमने आपको कराया है उसको क्या करना है, आपको याद करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज कर लें।